हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर का घी। तो ये हमने कुछ दो या 3 हफ्ते होंगे उससे मिलाई जमा रखी थी, तो हमने इसको अच्छे से फेंट लिया था पहले ही। और ये देखिए, इसके ऐसे मोटे मोटे पार्टिकल्स हो गए हैं। इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से फेंटेंगे जिससे कि पानी अलग और ये अलग हो जाए। अभी हम एक कॉटन के कपड़े में रखेंगे, तो उसके बाद हम इसका जो बचा हुआ पानी है वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हम कर रखते हैं इसका मलाई को एक कपड़े में रखते हैं। देखिए, ये हमने इसमें मलाई रख ली है, थोड़ी थोड़ी करके रखेंगे, ज़्यादा एक साथ तो नहीं आ पाएगी। तो हम इसका पहले अच्छे से पानी निकाल लेंगे इस मलाई में से। तो देखिए, हमने सारा पानी इसका निकाल लिया है। अब हम इसकी मलाई अलग निकाल लेंगे। देखिए, पूरा अच्छे से पानी निकल चुका है इसका। अब इसको अलग से निकालेंगे। अब ये हम जो तो बाकी बची हुई मलाई है इसका भी निकाल लेंगे। इसका भी हम पानी अलग से करेंगे। ये देखिए, इसी में पानी आ गया पहले, तो ये हमने पहले निकाल लिया था अलग। अभी हम इसका भी निकालेंगे पानी, सारे मिलाई अलग और पानी अलग कर देंगे। देखिए कितने मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं इसके, ये पानी अलग करेंगे। ये देखिए, हमने पूरी मिलाई निकाल दी है। अब हम ये इसको जहाँ पूरा पानी निकाल दिया है, अब हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें पूरी मिलाई डाल देंगे। ये हमने सारी मिलाई डाल दी है इसमें। अब आप इसको हाथों हाथ इसको चलाइएगा, ताकि जब आप इसको पकाएंगे तो कम आँच में पकाइएगा। और दूसरा कि ये देखिए, इसको पेज मलाई पिघलने के बाद ये पूरा ऐसा पतला सा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे पानी जैसा हो जाएगा। मगर इसमें थोड़े से पार्टिकल्स रहेंगे मलाई के, वो लास्ट तक ही रहेंगे। तो आपको इसको कंटिन्यू हिलाना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे ऐसे, छोड़ के कहीं कुछ काम करने लग जाएंगे, तो फिर इसमें जो है बाद तक के लिए बहुत मोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो इसको आप शुरू में ही स्टार्टिंग में जो है साथ साथ घुमाइएगा, रोकना नहीं है, इसको कंटिन्यू घुमाते जाना है। देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा कलर आने लग गया है, हल्का हल्का सा पीले से कलर टेक्सचर आ रहा है। तो आपको उसको कंटिन्यू घुमाना है, आँच तेज़ नहीं करनी है, कम आँच में इसको करना है, मतलब मीडियम आँच में, बिल्कुल कम भी नहीं, मीडियम आँच में इसको देखिए कंटिन्यू हिलाते जाना है। देखिए, अभी भी इसमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स हैं, आप इसको ऐसे हिलाते रहिए। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है अभी से, पूरे प्योर घी की जो है खुशबू आ रही है। आपको इसको ऐसे ही कंटिन्यू बनाना। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा कलर भी आ चुका है, कि हल्का हल्का अलग हो रहा है, और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। देखिए, दूध तो हर किसी के घर में ही होता है, ठीक है। अब आप उसका मलाई आप इकट्ठा करते रहिए, इकट्ठा करते रहिए, और उसका फिर ऐसे घर में घी बनाइए। शुद्ध घी घर का जो है हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, और घर का बनाया हुआ मलाई भी वेस्ट नहीं होती है। तो आप जो है इसका, क्योंकि मलाई खाने से क्या होता है ना, फैट बढ़ता है, घी से फैट बढ़ता है, बट इतना नहीं जितना मलाई से बढ़ता है। तो आप उस मलाई से अच्छा जो है घी बनाइए, प्योर घी, इसको रोटी पे लगा के सब्जी, तो जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप देखिए इसका ऐसे, इसको कंटिन्यू हिलाते जाना है, मीडियम आँच रखनी है, तेज़ नहीं रखना है, वरना वो जल जाएगा और नीचे लग जाएगा। अगर आप इसको कंटिन्यू लाते रहेंगे तो वो नीचे नहीं लगेगा। देखिए, साइड से आप पूरा इसका मलाई जो है वो भी निकाल लीजिए। ये देखिए, थोड़ा अलग घी भी दिख रहा है, घी का कलर तो आ गया है, खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। अगर खुशबू आप लोगों को बताई जा सके तो मैं वो भी कोशिश करती हूँ, बट अफसोस। देखिए, घी लगभग बन चुका है। अभी ये जो है वाइट कलर का, ये अभी ब्राउन होने तक आप इसको पूरा पकाना है, इसको कंटिन्यू हिलाते जाना है, रुकना नहीं है। देखिए, हल्का हल्का कलर चेंज भी हो रहा है, ये झाग रहेगा लास्ट तक। वो जब आप गैस बंद करेंगे तो वो लास्ट में अपना आप ही हट जाएगा, जबकि पूरा बन जाएगा। देखिए, ये देखिए, इसमें पूरा कलर आ चुका है, ये घी हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। देखिए, पूरा घी बन गया है। अब हम इसको छान लेंगे गैस बंद करके। आप इसको स्टील के बर्तन में ही निकालिएगा, प्लास्टिक में नहीं, प्लास्टिक के कंटेनर में
घी नहीं होता इसमें, गरम गरम घी निकालना छानने, अगर आप ठंडा करने के बाद निकालेंगे तो फिर थोड़ा जम जाएगा और उसमें कढ़ाई में स्टिकी रह जाएगा, तो आप गरम गरम ही निकाल लें और स्टील के बर्तन में निकालें। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप भी ज़रूर ट्राई करिए, मलाई खाने से अच्छा है घी बनाइए। देखिए बहुत ही इजी है और जल्दी बन जाएगा, बाहर के घी से अच्छा घर का हेल्दी घी खाइए। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका और घी भी प्योर बन गया है हमारा। आप भी ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। देखिए हमने सारे पार्टिकल्स अलग कर दिए हैं ये, और इसमें नहीं बचा है कुछ। अरे हमारा घी पूरा रेडी हो गया, देखिए इतनी सी मलाई से कितना सारा बन गया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।